नमस्कार जी न्यूज पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी। एक बार फिर से बात पश्चिम बंगाल की, जहां राजनीतिक हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के हालात ठीक होने के बजाय अब ममता बनर्जी लोकतंत्र की दुहाई दे रही। वो विपक्ष पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही, साथ ही वो मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर रही हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है और इससे वहां के राजनीतिक हालात खराब हो रहे हैं इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच। और हमारी इस बहस के जो सवाल है सिलसिलेवार तरीके से आपके स्क्रीन पर, मूर्ति पॉलिटिक्स से क्या बचाएंगी बंगाल को ममता बनर्जी? क्या गुजरात का डर दिखाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी? सरकार पर आफत आई तो फिर लोकतंत्र की दी दुहाई। बंगाल में राष्ट्रपति शासन से क्या रुक जाएगी राजनीतिक हिंसा? बंगाल को अस्थिर करने की साजिश किसकी है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कि खास मेहमान हमारे साथ, जल्दी से आपको बता दूं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली हमारे साथ, सुनीत चोपड़ा सीपीएम का पक्ष रखने के लिए, प्रबीर बिस्वास टीएमसी सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट कांग्रेस की तरफ झुकाव रखने वाले आशुतोष मिश्र भी हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राजीव जेटली, आपके पास मैं बड़े सवाल के साथ आऊं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं कि कोलकाता में आज ईश्वर चंद विद्यासागर की नई मूर्ति लगाई जाएगी। इस मौके पर ममता बनर्जी खुद मौजूद रहे। मूर्ति विद्यासागर कॉलेज में उसी जगह लगाई जाएगी जहां पहले लगी हुई थी। आपको याद होगा मई के महीने में चुनाव के दौरान मूर्ति तोड़ दी गई थी और तब बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। ममता ने इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया था और चुनाव के बाद नई मूर्ति लगवाने का वादा भी किया था। तो मूर्ति पॉलिटिक्स से एक बार क्या फिर से सियासत को साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी वापस मूर्ति लगवाने के लिए जा रही हैं, मौजूद वो रहेंगी। राजीव जेटली, पहले मैं आप ही का कमेंट ले लेती हूं कि वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में क्या अब हिंसा पॉलिटिक्स के बाद मूर्ति पॉलिटिक्स भी हावी हो रही है? देखिए ममता जी, बहुत वक्त से, अभी तो चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनावों से अगर आप पहले भी जाएं तो जो रवैया उन्होंने अपनाया हुआ था बंगालियों के अधिकारों के हनन करने का, वो पहले से नजर आना शुरू हो गया था। मां दुर्गा पूजा के ऊपर पाबंदी, मूर्ति विसर्जन पे पाबंदी, रामनवमी के जलूस पर पाबंदी, उसके बाद चुनावों के आते आते उन्हें लगा कि जन जागृति तो मेरे लिए बहुत ही मुसीबत बन गई है, अब मैं क्या करने वाली हूं, क्योंकि जनता मेरे खिलाफ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल स्तर पर आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आया, एक ही रास्ता नजर आया कि अपने हथियारों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्या करवा दी जाए। पंचायती राज चुनाव के अंदर आपको मालूम होगा कि 20 भारतीय जनता पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, लगभग 1341 लोग जख्मी हो गए उसके अंदर। अरे भाई, आप चुनाव करवा रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर या वहां पर महासंग्राम करवाना चाहते हैं, और वहां की पुलिस भी कहीं ना कहीं दीदी का कहने के ऊपर टीएमसी के गुंडों के साथ मिलके वहां देखते हैं कि, आपने देखा होगा, आरपी की रिपोर्टिंग थी ये कि कार्यकर्ताओं के पीछे पिस्तौल लेके भागे, उसको भगा भगा के गोलियों से मारा गया। अरे भाई, ये कुछ चुनाव है? ऐसा चुनाव होता है क्या? हमारा ही देश है, लोकतंत्र के अंदर हमारे पास एक व्यवस्था है कि आपने जिसको चुनना उसको चुन सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरी पार्टी के काडर को आप खत्म कर दे, उनकी हत्याएं करवा दे, उनको फांसी लगा दे। अरे भाई, थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, चुनाव जीते भी जाते हैं, हारे भी जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि इतना उग्र रूप अपना लें आप केवल इस बात को लेकर कि मेरे हाथ से सत्ता जा रही है। तो ऐसा वेस्ट बंगाल, जब बंगाली के अधिकारों का हनन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहा है, क्या वो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता? क्या दीदी से इतना डर के रहना पड़ेगा? यह हमारा ही तो देश है, कोई दूसरा देश नहीं है ये। ठीक है सर, ठीक है। प्रबीर बिस्वास, आप जवाब दीजिए सर, क्या मूर्ति पॉलिटिक्स से हालात सामान्य हो जाएंगे वेस्ट बंगाल में? जो बीजेपी गंभीर आरोप आपकी सरकार पर लगा रही है, क्या वो बदल जाएंगे? सर सवाल सुन लीजिए सर, हर एक चीज में सवाल सुन लीजिए, सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? बोलिए, क्या हालात कैसे सुधरेंगे वेस्ट बंगाल में? हालात पॉलिटिक्स अगर ढूंढते रहोगे आप तो मूर्ति में भी पॉलिटिक्स ढूंढ सकते हो। मोदी जी का विमान का परमिशन दिया पाकिस्तान, विमान पॉलिटिक्स भी आ सकता है। हम आपके चैनल में बैठे हुए हैं, चैनल पॉलिटिक्स भी होता है, हर चीज में पॉलिटिक्स ढूंढना नहीं चाहिए। जो विद्यासागर है वो बंगालियों का दिल में रहते हैं, उनका मूर्ति तोड़ा गया बीजेपी गुंड्स द्वारा, वो मूर्ति रिस्टोर हो रहा है, इसका बधाई देना चाहिए।
इसमें पॉलिटिक्स मत ढूंढिए, विद्यासागर जी को कम से कम पॉलिटिक्स से दूर रखिए, वो बंगालियों का दिल में रहने वाले हैं, उनका पूजन होता है बंगला में। हम जो पहला किताब पढ़ते हैं ना, जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, पहला किताब जो होता है वो विद्यासागर जी का लिखा हुआ है, तो उनको कम से कम पॉलिटिक्स से दूर रखिए तो अच्छा रहेगा। रहा सवाल ये जो खून खराबी हो रहा है, कत्ल हो रहा है, हम तो हर एक कत्ल का विरोधी है, हर एक कत्ल का, चाहे बीजेपी का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे सीपीएम का हो, कत्ल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब से बीजेपी का यहां थोड़ा बहुत पावर मिला है, तब से ये कत्ले आम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? अब बीजेपी सत्ता हासिल करना चाहता है कैसे भी हो, चाहे 356 लगाए, 355 लगाए, राष्ट्रपति शासन करे, चाहे वो मारपीट करके करे, कैसे भी उनको सत्ता चाहिए। और तृणमूल वाले चाहते हैं कि वो सत्ता में रहे, लड़ाई इस बात की है। लेकिन ये बंगाल का परंपरा है कि सत्ता जब कोई भी किसी को मिलता है, कांग्रेस को स्वाधीनता संग्राम करने के बाद कांग्रेस को सत्ता मिली थी, वामपंथी दलों ने खाद्य आंदोलन, फिर आपका लेबर आंदोलन करके फिर यहां तक आए, सत्ता में आए। तृणमूल कांग्रेस भी नंदीग्राम सिंगूर जमीन का जो आंदोलन है वो करके आए, तो बीजेपी भी ऐसा कोई ठोस आंदोलन करे, उसके बाद उनको सपना देखना चाहिए बंगाल का सत्ता। बंगाली लोग ऐसे सत्ता नहीं दे देते। और जेटली जी का बात में मैं एक ही बात कहूंगा, जेटली जी एक उदाहरण दे दे जहां दुर्गा पूजा ममता बनर्जी ने बंद कराई है, एक एग्जांपल दे दे तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। अच्छा, राजीव ममता बनर्जी दुर्गा पूजा का सपोर्ट देते, एक एक पूजा कमेटी का नाम बता दे जिनका पूजा ममता बनर्जी ने बंद कराई है। मैं बता रहा हूं आपको एक बार बताइए, न्यायालय में कौन गया दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन को लेकर? कौन गया? किसको फटकार लगाई न्यायालय ने? जस्टिस गुप्ता ने किसको फटकार लगाई? दुर्गा पूजा बंद कराई है ममता दीदी? अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बात को दूसरी तरफ मत घुमाइए। नहीं, जस्टिस गुप्ता ने किसको फटकार लगाई? मेरा स्पेसिफिक सवाल है, कौन सा पूजा, कौन सा पूजा कमेटी? तुष्टिकरण की राजनीति के चलते आप बंगालियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये न्यायालय ने कहा। मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यायालय ने कहा कि जो प्रमुख समाज वहां पर रहता है उनके अधिकार ऐसे नहीं, नहीं। ये मैंने नहीं कहा। अदिति जी, न्यायालय ने किसको बोला? जरा मौका भी देना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। अदिति जी, मुझे मौका देना पड़ेगा किसी मुख्यमंत्री को प्रदेश में बोला गया? तब से सर 4 मिनट से आपके पास मौका है। जेटली जी, जिस हिसाब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है आपके पास मौका है 4 मिनट। पूजा कमेटी का अदिति मुझे 5 सेकंड टाइम दीजिए। एक स्पेसिफिक पूजा कमेटी का नाम बताए जो ममता बनर्जी ने बंद कराई है, एक एक बात का पतंगड़ नहीं। मूर्ति विसर्जन पे का नाम बताओ आप। मूर्ति विसर्जन, अरे मूर्ति विसर्जन छोड़ो आप, पूजा कहाँ बंद कराई है? जवाब दे दीजिए, पूजा कहाँ बंद कराई है? इसका जवाब आप पूजा बंद कराने के बात कर रहे हो? अरे मैं मूर्ति विसर्जन का बात कह रहा हूँ, मूर्ति विसर्जन का बात आऊंगा। पालिका किसके ऊपर उंगली उठा रही है? आप तो आप बोल रहे हो पूजा बंद कराई है, लेकिन कौन सा पूजा बंद कराई है? पहली बार इतिहास में आप पहले मंत्री को यह बोला गया कि तुष्टिकरण के चलते सुने, आप ऐसे डिबेट नहीं होता है। आप एक बात कह रहे हो प्रवीर विश्वास गलत और राजीव जेटली मूर्ति विसर्जन, सुनिए प्रवीर विश्वास राजीव जेटली, अब आप जवाब सुनिए इसके दत्ता से, इसके दत्ता काउंटर करना चाह रहे हैं आपको, जवाब सुनिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, जवाब सुनिए सर प्लीज, मैं भी आपसे विनम्रता से अपील कर रही हूं सर। प्रवीर विश्वास साहब, आप भी लोगों की बात सुनिए, हाथ जोड़ के कहता हूं सर, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप मेरे मेहमान हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ कर ये विनती कर रही हूं, आप दूसरे पैनलिस्ट की भी बात सुन लीजिए, उनको भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। इसके दत्ता आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए सर। 20 सेकंड 20 सेकंड्स ओनली, 20 सेकंड्स प्लीज। ये मूर्ति विसर्जन का बात जो हो रही है, मूर्ति विसर्जन को रद्द नहीं किया गया, टाइमिंग बदला गया था, क्योंकि मुहर्रम का भी जुलूस था, मूर्ति विसर्जन के जिनके जुलूस था, तो वो लड़ाई झगड़ा होने का चांसेस था। ऐसा तो बिहार में भी हुआ है, टाइम बदला बदली किया गया था। आपने जवाब देता हूँ जेटली जी, ऐसा तो नीतीश कुमार जी ने, राजीव जी, राजीव बिहार में नीतीश कुमार जी भी किए थे। राजीव जी, जब नीतीश कुमार जी करते हैं, जब नीतीश कुमार जी करते हैं तब कोई सवाल नहीं होता है। प्रवीर विश्वास, बंगाली अस्मिता की बात नीतीश कुमार नहीं करते हैं प्लीज, बंगाली अस्मिता की दावेदारी नीतीश कुमार नहीं करते जरूर करेंगे। अब आप जवाब सुनिए हम करते हैं। सुनने का क्षमता रखिए ना प्रवीर जी, थोड़ा सा सुनने का भी क्षमता रखिए।
स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड, बोलने का भी थोड़ा आदत है। तो आप बोले हैं ना, पांच मिनट तक आप बोल रहे हैं, ये वन लॉ वन वे मोनोलॉग नहीं है, ये मल्टी डायलॉग है और मल्टी डायलॉग में उस हिसाब से सुनना भी पड़ेगा आपको। बहुत आप मूर्ति पूजा और माँ दुर्गा की दोहाई दे रहे हैं ना। अरे मैं आपसे पूछता हूँ, बंगाली आप भी है, मैं भी बंगाली हूँ, सिंदूर खेलार परे आफ्टर सिंदूर खेला ऑन विजयदशमी माँ दुर्गा की झांकी निकलती है। विजयदशमी की एक पारंपरिक तिथि होती है जो पंजिका जो वो आपके जो हमारे ग्रंथ है ना, ग्रंथ के हिसाब से वो तिथि तय होता है। विजयदशमी के दिन ही माँ दुर्गा की झांकी निकलती है और मूर्ति का विसर्जन होता है। उसमें एक मिनट का इधर उधर फर्क नहीं हो सकता है सिंदूर खेला के बाद। मोहर्रम की तिथि तो तिथि, विजयदशमी की तिथि तिथि नहीं है। मतलब कि चार पांच घंटे के लिए, पांच छह घंटे के लिए ताजिया के चलते आप माँ दुर्गा के झांकी को रोक दोगे? विजयदशमी की जो एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जो विजयदशमी का तिथि है उस तिथि को आप रोक दोगे? मतलब कि ये बाधा नहीं डालना है तो क्या है? मूर्ति पूजा के झांकी तक जब तक झांकी का एकदम सम्मान के साथ दुर्गा मूर्ति का माँ गंगा पे विसर्जन नहीं होता है तब तक पूजा संपूर्ण नहीं होता है। ये देवी प्रथा के हिसाब से, देवी पुराण के हिसाब से, चंडी पुराण के हिसाब से ये निर्धारित नीति है और उस निर्धारित नीति के हिसाब से और उन निर्धारित नीति के अनुसार चीजें चलती है। उसमें ममता दीदी कौन होती है रोक लगाने वाली? और एक बार नहीं, दो दो बार कलकत्ता हाईकोर्ट से फटकार लगा। फटकार लगने के बाद उसके बाद तो आप दोनों चीजों को एक साथ कर पा रहे थे, पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे? कलकत्ता हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद फिर आप कर पाते हैं? आप कह रहे हैं कि लाइसेंस नहीं रोका गया है। मैं बोलता हूं आप श्रीरामपुर क्लब के जो सार्वजनिक पूजा है, वो जो मेन स्पोर्टिंग क्लब का सार्वजनिक पूजा है, वहां का लाइसेंस क्यों रद्द हुआ था? क्यों रद्द हुआ था दुर्गा पूजा का, ये जरा बताइए। ऐसे तो मैं सैकड़ों गिना दूंगा ना इस तरह से। 20 सेकंड्स टाइमर लगाइए, 20 सेकंड्स प्रबीर विश्वास, सिर्फ 20 सेकंड्स, मेरे पास दो गेस्ट और हैं, प्लीज 20 सेकंड्स में जवाब दीजिए। आप सवाल पूछ रहे थे, अब आपसे सवाल। विसर्जन का तिथि जो बोल रहे हैं, विसर्जन का तिथि ये गलत बयान कर रहे हैं। बंगाली लोग का हिसाब के जब पूजा का तीर्थकाठी काटा जाता है उसके बाद से कभी भी आप विसर्जन कर सकते हैं? जी नहीं, विजयदशमी के दिन विसर्जन करना पड़ता है। झूठ मत बोलिए सरेआम। बंगालियों का जरूरी नहीं है, 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 जरूरी है। मैं आपसे थोड़ा ज्यादा बंगाली हूँ, नहीं कर सकते, चीजों को बदल नहीं सकते। डॉक्टर एस के दत्ता, एक सेकंड रुक जाइए। प्रबीर विश्वास, जरूरी हो विसर्जन आपकी किताब में या ना हो, लेकिन भक्तों की आस्था तो उससे जुड़ी रहती है, उससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते सर। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक को प्रमोट करें और एक को एक का तुष्टीकरण करें सर, ऐसा नहीं हो सकता। इसी को लेकर सवाल उठते आए हैं और इसी को लेकर सवाल अब भी उठ रहे हैं सर। अभी मेरे पास दो मेहमान और हैं, आपसे एक सवाल पूछा था डॉक्टर एस के दत्ता ने, प्लीज मुझे दोनों मेहमानों की प्रतिक्रिया लेनी है, मुझे वो प्रतिक्रिया लेने दीजिए, लेकिन उस सवाल के साथ मैं वापस लौटूंगी। जवाब नहीं लेंगे आप सब, जवाब आप रुकिए, आप जवाब सोच लीजिए सर, आप जवाब सोच लीजिए, मैं आपको वक्त भी दे रही हूँ, लोकतंत्र में इतना भी है, इतनी भी गुंजाइश है। ठीक है, सुनील चोपड़ा, आपका कमेंट आप सर सुनिए, आपके पास जवाब नहीं तो सोच लीजिए ना, इसलिए मेरे को पता आपके पास जवाब नहीं, कोई बात नहीं। सुनील चोपड़ा, मूर्ति पॉलिटिक्स से सब कुछ बदल जाएगा कि बंगाल में जो इस समय चल रहा है, जिन गलत वजहों से बंगाल इस समय सुर्खियों में है, क्या वो तस्वीर बदल जाएगी? मूर्ति पॉलिटिक्स मोदी का पॉलिटिक्स है, 15,000 करोड़ रुपए की मूर्ति उसने गुजरात में लगाई है। नहीं नहीं सर, मैं आपसे क्या, उससे पूछिए ना सर, मैं जो देश की जनता को भूखे मार रहे हैं, मूर्तियां लगा रहे हैं, उनसे पूछो। सुनील चोपड़ा, ये तो एक छोटी सी मूर्ति है। अच्छा तो इस पटेल के बारे में आपने पूछा है? सर सुनिए मेरी बात, कितना लगा सर, मैं जानती हूँ आप सुने इस तरह से डिबेट को डिरेल करने में माहिर, कोई बात नहीं सर, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मूर्ति पॉलिटिक्स में माहिर हूँ क्योंकि ये चोरी में माहिर है मोदी सर। मोदी जी को अटैक कर लीजिएगा सर, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। आप तो ऐसे एक एग्जाम में तैयारी करके गए थे, एक्स की आ गया वाई, तो आपने वाई के जवाब में ही एक्स लिख दिया सर। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या मूर्ति पॉलिटिक्स से वेस्ट बंगाल में जो हिंसा का दौर जारी है थम जाएगा क्या? वेस्ट बंगाल में सब कुछ बदल जाएगा? हिंसा किसने की, मूर्ति किसने तोड़ी? अच्छा? मैं एक जांच चाहता हूँ,
निष्पक्ष जांच के विद्यासागर ईश्वर चंद्र की मूर्ति किसने तोड़ी है। अच्छा, और हमने देखा है झंडे लेके कौन कॉलेज में घुसा है। अच्छा, तो आप इस ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो दुनिया नहीं जानती। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही हूँ, तो कम से कम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को लेकर आप ममता दीदी के साथ हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप इस डिबेट में? हमारी पार्टी ने जुलूस निकाला था कि इस तरह के गुंडों को पकड़ो और अंदर करो। सबरीमला में जब इन्होंने किया, हमने इनके नेताओं को अंदर कर दिया था। सुनीत जी, और शांति हो गई थी। सुनीत चोपड़ा जी प्लीज सर, मेरा सवाल तो कम से कम सुनिए सर। आप ये जो ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति से जुड़ी पॉलिटिक्स है, जो मूर्ति पॉलिटिक्स है, इस पर दीदी के साथ हैं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए मुझे। मेरा ये कहना हम किसी के साथ नहीं है, हमारा ये कहना है जो भी गुंडागर्दी करेगा, हमारी डिमांड है कि उन गुंडों को पकड़ो और अंदर करो। कुल मिलाकर आपको बीजेपी, चाहे वो तृणमूल के हो चाहे वो बीजेपी के हो, ठीक सर। अच्छा, आप किसी के साथ नहीं है, फिर आप बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं सर, इतने सारी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट और उसमें एक भी कॉन्ग्रुइटी नहीं, किसा कैसे? हमने देखा है कि बीजेपी वालों ने मूर्ति तोड़ी है। अच्छा सर, ठीक ठीक, टेलीस्कोप लेके गए थे आप, ठीक है, टेलीस्कोप लेके गए, छुपी हुई चीज नहीं है। के लिए प्लीज सुनीत जी की 5 सेकंड दे दीजिएगा प्लीज मुझे। सुनीत जी की बात पे तो मुझे पता नहीं हंसू या रोऊं, मुझे समझ में नहीं आता है। मूर्ति तोड़ने की बात करते हो ना सुनीत जी, भूल गए आप लोग बंगाल में क्या किए थे जब 34 इयर्स आप लोग वहां पे थे और त्रिपुरा में थे? रविन्द्रनाथ टैगोर की कितने सारी मूर्तियों को आप लोगों ने तोड़ा, विवेकानंद की कितने सारी मूर्तियों को आप लोगों ने तोड़ा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितने सारे मूर्तियों को तोड़ा, और वहां पे क्या स्थापित किया? लेनिन की मूर्ति, स्टालिन की मूर्ति, चाउचेस्कू की मूर्ति, माओ जेडुंग की मूर्ति, अमर नाम तुम्हार नाम, वियतनाम वियतनाम, ये तो आप लोग करते थे। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आप मूर्ति को लेके किस अधिकार से आप लोग बोल रहे हो? पूरा दुनिया में दहशत गर्दी अगर किसी ने फैलाया है, सबसे बड़ा नरसंहार और जेनोसाइड अगर किसी ने किया है वो बाम फ्रंट ने किया है। बाम फ्रंट नेताजी को क्या बोलते थे? गोजो के कुत्ते, महात्मा गांधी के बारे में बोलते थे कि अंग्रेजों के कुत्ते, ये तो बोलते थे आप लोग। प्लीज हम वेस्ट बंगाल में नहीं है, हम वेस्ट बंगाल में नहीं बैठे, उनको बंद करो। लक्ष्मी सहगल सीपीएम की मेंबर थी। प्लीज एक कमेंट में आशुतोष मिश्र का ले लूं, क्योंकि मेरे को मुझे ब्रेक में जाना है प्लीज, और आप सबसे इस अपील के साथ एक बार में एक बोले ताकि जनता को बात समझ में आए, व्यूवर्स को बात समझ में आए प्लीज। जी आशुतोष मिश्र, जो सवाल मैं अभी सुनी चोपड़ा से पूछ रही थी आपसे भी पूछ रही हूँ, वही मूर्ति पॉलिटिक्स से बदल जाएंगे वेस्ट बंगाल में क्या हालात? तस्वीर बदल जाएगी, थम जाएगी हिंसा? देखिए, सर्वप्रथम ये कहना जरूरी है कि हिंसा टीएमसी ने भी प्रयोग किया है अपना सत्ता में रहने के लिए, और अब बीजेपी उसका प्रयोग कर रही है सत्ता में आने के लिए, तो दोनों तरफ से हिंसा निंदनीय है। जहां तक आप मूर्ति का सवाल करती है, तो इसमें जो है जो सातवें फेज में मूर्ति टूटने के बाद जितने भी इलेक्शन, जितनी भी सीट्स पे इलेक्शन हुआ वहां पे टीएमसी जीती थी, तो टीएमसी को शायद ये लगता है कि ये मूर्ति जो है लगाना उसके फेवर में है और ये बीजेपी के खिलाफ जाता है। लेकिन मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी डिबेट अगर आप सुनिए तो एक तरफ से आर्ग्यूमेंट आ रहा है तुष्टिकरण का और दूसरी तरफ से उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो ये जो एक डिवाइड एंड रूल की जो बीजेपी की का हथकंडा रहा है, अब वो ट्राई हो रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये इससे उनको जो सफलता 18 सीट मिली है वो जो है और आगे बढ़ जाए। तो ये थमने वाला नहीं है, ये आमना सामना दोनों तरफ का, क्योंकि दोनों लोग जो है बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं और ये जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है बीजेपी के लिए तो छिद भी मेरी और पट भी मेरी वाला हालत है इस वक्त। ठीक, वहाँ पे एक तरफ तो वो टीएमसी के लोगों को ले रहे हैं मेरी पद भी मेरी वाली, और दूसरी तरफ उनको वहाँ के लोगों को लग रहा है कि सैया भाई कोतवाल दिल्ली में, तो अब डर काहे का? अच्छा अच्छा सर, ठीक है, आपका सवाल भी बीजेपी के लिए दीदी के लिए नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी ब्रेक के उस पार, जल्द लौट। तो बहस पश्चिम बंगाल में इस समय जो हालात है और मूर्ति पॉलिटिक्स जो इस समय जारी है उस पर हो रही है, लेकिन आपको बता दें पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कॉलेज खुलते ही छात्रों के बीच हिंसा हुई है। नवद्वीप के विद्यासागर कॉलेज में टीएमसी और एबीवीपी छात्र विंग इनके आपस में भिड़ गए,
जिससे तनाव का माहौल है। टीएमसीपी और एडीवीपी ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए हैं और घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। नदिया का विद्यासागर कॉलेज, जहां टीएमसी का छात्र विंग और बीजेपी का छात्र विंग यानी एबीवीपी आपस में भिड़ गए हैं, और जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं लोकसभा चुनाव से ही दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, और टीएमसीपी और एबीवीपी भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बहस ब्रेक के उस पार भी जारी है कि वेस्ट बंगाल में क्या मूर्ति पॉलिटिक्स से हालात बदल देंगी ममता। सरकार पर आफत आई तो क्या इसीलिए ममता बनर्जी दे रही हैं लोकतंत्र की दुहाई, ये बड़ा सवाल हम लगातार अब उठाएंगे अपने अगले आधे घंटे में। लेकिन उससे पहले उत्तर 24 परगना के जगदल बरुई पाड़ा इलाके में बम फटने की खबर है। बम फटने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई है, चार इसमें घायल हुए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इलाके में भारी तनाव है, आरएएफ और कॉम्बैट फोर्स तैनात करने पड़े हैं। तीन बदमाशों ने बम फेंके और बम फेंकने के बाद वो भाग गए। घायलों में एक की हालत नाजुक है, चार घायल हैं जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जेटली जी, आपके पास आ रही हूं सर इस सवाल के साथ। थोड़ी देर पहले प्रबीर विश्वास कह रहे थे, नहीं माफ कीजिएगा, आशुतोष मिश्र ने कहा कि बीजेपी के लिए तो दोनों ही हाथों में लड्डू है, चित भी मेरी पट भी मेरी। देखिए, पहली बात यह कि आशुतोष जी को शायद ये पता नहीं होगा, या इनको मैं दोबारा से जानकारी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 60 से ऊपर कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, लगभग 1500 से ऊपर कार्यकर्ता जो घायल पड़े हुए हैं, एक एक दिन में दो दो दिन में छह छह लोगों की हत्या की जा रही है। इन्हें लगता है ये लड्डू है, अरे भाई इसे लड्डू कहते हैं तो जाइए अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। जब इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे, इतने बड़े लेवल पे कत्लेआम होगा, तब पता चलेगा आपको किसे कहते हैं लड्डू। यहां पर विषय ये नहीं है, विषय यह है कि जो हिंसा बंगाल के अंदर की जा रही है, जिसको समर्थन सरकार दे रही है और गुंडों के साथ पुलिस को जोड़ा जा रहा है, इसमें चिंता का विषय है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेके। आशुतोष जी की क्या वजह हो सकती है वो अलग वजह होगी, मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, उस टाइम मुझे मौका नहीं था पहले मिला जब हम बात कर रहे थे, आप देखिए जो मैंने बात शुरू करी थी, बीजेपी का इसमें हित है, इस हिंसा में बीजेपी पर भी वो आरोप लगा रहे सर। मैं बता तो रहा हूं, जिसके कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई वो आरोप भी झेलेगी। इतने बुरे दिन आ गए, इसी देश के अंदर किसी प्रदेश के अंदर ऐसा कानून स्थापित किया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था स्थापित की जा रही है कि जहां पर जान भी जाए, जहां पर उसके कार्यकर्ताओं को बम भी झेलने पड़े, गोलियां झेलनी पड़े, हत्याएं हो जाए उनकी, वहां पर उनको लड्डू बताया जा रहा है, उनके हाथ में लड्डू है। अरे भाई हम तो इस बात को लेकर चिंतित है कि यार लोकतंत्र वहां पर सुरक्षित भी रहेगा, जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था जो दीदी द्वारा बनाई गई है, उस अलोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या दूसरी राजनीतिक पार्टी वहां सर्वाइव कर सकती है? ये तो अपने आप में चिंता का विषय है। ठीक ठीक सर, क्लैरिटी के लिए उन्होंने कहा चित भी मेरी पट भी मेरी। एक सेकंड राजीव जेटली जी, उन्होंने क्लैरिटी के लिए आशुतोष मिश्र ने जो कहा था, चित भी मेरी पट भी मेरी। टीएमसी के प्रवक्ता ने एक बात बोली थी, जो बात मैंने पहले आपसे कही थी, जिसमें न्यायालय ने इनको फटकार लगाई। टीएमसी के प्रवक्ता ने बोला कि हमने दुर्गा विसर्जन की तिथि आगे इसलिए बढ़ाई क्योंकि उस दिन मुहर्रम था। यही बात तो मैं भी कह रहा था, यही बात तो न्यायपालिका भी कह रही है, यही बात तो सिंगल बेंच में जस्टिस गुप्ता ने भी कही। उन्होंने कहा तुष्टिकरण की राजनीति के चलते बहुसंख्यक समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है। ये बात तो खुद ही कबूल कर ली इन्होंने कि हम कर रहे हैं वो काम। अगर मुहर्रम होगा तो दुर्गा पूजा नहीं होगी, ईद होगी तो रामनवमी नहीं होगी। अरे भाई ये कोई तरीका हुआ क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, बंगालियों को अधिकारों का हनन हो रहा है। प्लीज सर, अब जवाब सुनिए राजीव जेटली जी। प्रबीर विश्वास, पहले आपका जवाब। हाँ, जेटली जी का पहला बात का मैं खंडन करता हूँ। यहाँ मैं वामपंथी नहीं हूँ, फिर भी वामपंथी के ऊपर जो आरोप लगा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का मूर्ति तोड़े, वामपंथी को समय में नरसंहार हुआ और लेनिन मार्क्स का मूर्ति बैठाए, लेकिन ऐसा आरोप नहीं था कोई मूर्ति तोड़े। जो आरोप आज बीजेपी के ऊपर लग रहा है कि विद्यासागर जी का मूर्ति तोड़े, त्रिपुरा में वो लोग काफी सारे मूर्ति तोड़े, ऐसा आरोप कॉलेज का दरवाजा बंद, लोग आपके अंदर बैठे, मूर्ति बाहर से कैसे टूट गई ये तो बता दीजिए। कॉलेज के दरवाजे में ताला लगा हुआ है, अंदर से मूर्ति तोड़ी जा रही है। आप तो अपनी राजनीति के चलते, हत्या तो बहुत छोटी चीज है, नहीं देंगे तो कैसे होगा? बड़ी बात है, आपके कम बोलने तो दो, आप जवाब तो बोलिए। बोलिए सर, बोलिए। ऐसा है कि ये टेलीविजन मीडिया के बाहर भी एक बड़ा मीडिया उभर के आया हुआ है, सोशल मीडिया में साफ साफ दिखाई दिया
बीजेपी का झंडा लेके कौन लोग मूर्ति तोड़ रहा है वो शायद आपके चैनल में भी दिखाए आप लोग, हम थे उस दिन के प्रोग्राम में आपका, आप दिखाए सोशल मीडिया में बाहर सड़क की तस्वीर दिखाई गई, टीएमसी के गुंडे जो अंदर मूर्ति तोड़ रहे थे क्या दिखाएगा टेलीविजन में, नहीं नहीं वो सब दिखा रहे थे, वो भी सड़क पे दिखाया, कॉलेज में ताला लगा हुआ है, आप थोड़ा पेशेंस रखो, अंदर से मूर्ति रखो, मैं आपके समय कुछ नहीं बोला, कम से कम मेरे सेकंड से आपके पास जवाब, सर आपके पास जवाब के लिए 30 सेकंड से प्लीज, मेरे साथ सब पैनलिस्ट है सबकी बात हुआ नहीं हुआ वो हम जानते, क्या हुआ नहीं हुआ सोशल मीडिया के जरिए आपके जरिए हम सब देखा है, कोई भी मूर्ति तोड़े वो गलत है, कहीं भी कत्ल हो वो गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, बंगाली का कल्चर ये नहीं है। रहा सवाल महर्रम और दुर्गा पूजा के बाद ममता बनर्जी ने खुली छूट दी थी, कोई भी विसर्जन करना चाहे उस दिन कर सकते हैं, लेकिन कोई एक भी पूजा कमेटी उस दिन विसर्जन नहीं किए, अपने से नहीं किए, यही बंगाल है, यही बंगाल का भाईचारा है, आके देखिए बंगाली लोग कैसे रहते हैं, हिंदू मुसलमान बंगाली नॉन बंगाली हम लोग साथ में कैसे रहते हैं, ये भाईचारा था तो खबर कैसे बन गया, इसके दत्ता का जवाब सुनिए आप सर, इसके दत्ता का जवाब सुनिए, सवाल आप इसके दत्ता का जवाब सुनिए प्लीज, सवाल में ही आपका उत्तर है अदिति, सवाल में आपका उत्तर है, कोई बात नहीं आप जवाब सुनिए, कैसे बन गया सर, खबर बनाया गया प्लीज, खबर बनाया गया, अच्छा ठीक है। सबसे पहले बात तो यह है कि जहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति की जहां बात आती है, सब जानते हैं कि मेन गेट पे ताला लगा हुआ था, लगभग 50-60 फीट ऊंचा वो गेट है लोहे का, और अंदर में छात्र परिषद के लोग, जो टीएमसी के छात्र परिषद के लोग, वो लोग अंदर में थे, और दो कमरे के अंदर वो मूर्ति है, तो कहीं ना कहीं पे जो कुछ हुआ वो अंदर खाने से हुआ, बाहर से नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे यह आती है कि बामफ्रंट ने मूर्ति कभी नहीं तोड़ा, आप अगरतला की जो राधा कृष्ण की जो मंदिर है, मंदिर के पास जो वो चौराई है वहां पे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की मूर्ति और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किसने तोड़ा था बामफ्रंट के टेनियर के दौरान, आसमान से आके लोगों ने तोड़ा था क्या? बंगाल में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। जहां बात आती है आपके मेन सवाल की कि कोई भी सार्वजनिक पूजा कमिटी ने उस दिन विसर्जन नहीं किया, अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं आप, कलकत्ता हाईकोर्ट में गौहार किन लोगों ने लगाया था, सार्वजनिक कमिटी के लोगों ने ही गौहार लगाया था कि हम लोगों की देवी की मूर्ति की झांकी को रोका जा रहा है, और कलकत्ता हाईकोर्ट का क्या डिसीजन था उस पे, कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि किसी भी कीमत पे आप लोग कोई भी पंडाल में मां दुर्गा की मूर्ति को विजयदशमी के तिथि के बाहर रख नहीं सकते हो, अच्छा, आपकी जिम्मेदारी है कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चले, ठीक है, मेरी ये कलकत्ता हाईकोर्ट की डिसीजन। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, अगर आप को डिबेट पर आ जाएंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है हम डिबेट से बार बार भटक रहे हैं। मेरी डिबेट ये है कि माँ माटी मानुष की धरती पर ये वोट का खेल कैसे चल रहा है और कब तक चलता रहेगा, सुनी चोपड़ा, यही मेरा सवाल भी है। ये खेल तब तक चलेगा जब तक कि ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि हिटलर की तरह काम किया जाएगा। हमारा ये कहना है कि हिटलर के काम करना गलत है और होने भी नहीं देना चाहिए, सीधी बात है। अब इनको आपस में बात करनी पड़ेगी, सर आपस में बात करनी पड़ेगी किस सिलसिले में? अब ये सारे कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग करो, करने दो, तो करना चाहिए, केरला में हमने किया था, बीजेपी आई नहीं, आरएसएस आई नहीं, सर आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी कब से हो? बाद में इन्होंने सबरीमला में किया, हमने इनको अंदर कर दिया, शांति हो गई। नहीं, आरएसएस कब से सर पॉलिटिकल पार्टी है? सर आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो क्या है? प्रेसिडेंट बन गया है आरएसएस का, प्रधानमंत्री आरएसएस का, कम से कम फैक्ट्स पे तो रहिए, तो कुछ भी तो मत बोल दीजिए, तो पॉलिटिकल नहीं है तो क्या है? नहीं नहीं सर, आप मुझे ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। सर मेरी डिबेट पहली बात आरएसएस पर है, हाँ, नहीं, मेरी डिबेट वेस्ट बंगाल पर है, वहाँ पर जो हिंसा हो रही है उस पर है सर, आप आरएसएस को पॉलिटिकल पार्टी बता रहे हैं सर, कम से कम तर्क का उतर्क तो मत कीजिए सर, लेट्स बी फैक्चुअल, आप इतने वरिष्ठ हैं, आप आरएसएस का पॉलिटिक्स को क्वेश्चन करो, आशुतोष मिश्र आपका कमेंट है, प्रबीर विश्वास मेरे प्रोग्राम में हम इस मुद्दे पर एक सेकंड रुक जाइएगा, आप डिबेट रात को प्रबीर विश्वास मुझे समझ डिबेट का टॉपिक अगर समझने में किसी को दिक्कत है तो वो पैनलिस्ट का प्रॉब्लम है सर, वो मेरा दिक्कत नहीं है, पैनलिस्ट को उस डिबेट को समझने में अगर दिक्कत है प्रबीर विश्वास
मेरी दिक्कत नहीं है, मेरी जवाबदेही व्यूअर के लिए है और मैं अपने डिबेट को टॉपिक पे रखती हूँ आपके लिए, ठीक है आशुतोष मिश्र, तो आप ही के पास है आशुतोष मिश्र सर, सुनिए आप हम सब बुजदिल हैं, सर मैं आपकी स्ट्रेटेजी समझती हूँ, बहुत हो गया अभी पुरानी हो गई, नेक्स्ट टाइम नई स्ट्रेटेजी लाइएगा मेरे लिए मेरे शो में, नेक्स्ट टाइम नई स्ट्रेटेजी से आशुतोष मिश्र, ठीक है आशुतोष मिश्र, आशुतोष मिश्र का कॉमेंट चाहिए मुझे सिर्फ जी। देखिए ये विद्यासागर जी की जो मूर्ति टूटी थी इस पे जो है जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा था कि बाहर के लोगों ने आके जो है ये मूर्ति तोड़ी, तो कम से कम हमें कॉलेज के प्रिंसिपल की तो इज्जत करनी चाहिए कि वो तो किसी पार्टी से अफिलिएटेड होंगे नहीं, गुरु हैं उनको तो इतनी इज्जत मिलनी चाहिए जब वो कह रहे हैं कि बाहर के लोगों ने आके तोड़ी, कौन थे ये बात जो है विवादित हो सकती है, लेकिन ये कहना कि कॉलेज वालों ने ही तोड़ी अनुचित होगी। दूसरी बात आप बार बार पूछती हैं कि ये हिंसा की राजनीति कब तक चलेगी, अगर आप देखें चुनावों में जाएं लोकसभा चुनावों में तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा ध्यान जो है प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह और बीजेपी का बंगाल पे रहा, तो इन्हों ये जो है एक अस्तित्व की लड़ाई है, ममता बनर्जी की जो कि मैं किसी तरफ से जो टीएमसी की तरफ से जो हिंसा होती है उसकी मैं उतनी ही निंदा करता हूं जितना कि बीजेपी की तरफ से होती है, किसी का समर्थन नहीं, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है और ये बीजेपी जो है इसको उनको छोड़ने वाली नहीं है, और दोनों लोग जो है अगर आप बीजेपी में भी देखें तो बहुत सारे तृणमूल और के लोग और सीपीएम के लोग आ रहे हैं, ये वही दबंग है, तो इनकी कोई जो है जो ये नए लोग हैं इनकी कोई आइडियोलॉजिकल जो है मूरिंग जो आइडियोलॉजी जो है बीजेपी वाली नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी है सत्ता की, और सत्ता के लिए जो है भाजपा भी ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है कि भाई हुक और क्रुक सत्ता में आ जाए, ठीक है समय का समय इतना ही है, समय इतना ही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वजूद की लड़ाई हो, अस्तित्व की लड़ाई हो, सत्ता की लड़ाई हो, राजनीति में इसकी गुंजाइश है, लेकिन हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं। आप आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़िए, आप लोकतंत्र की लड़ाई लड़िए, लेकिन हिंसा को उससे आउट रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, खबरें जारी।